नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है आर्ट ऑफ नेटवर्किंग बहुत यंगस्टर्स मेरे से जुड़ते हैं ये पूछना चाहते हैं कि नेटवर्किंग करके हमें लाइफ में आगे बढ़ना है इसके बारे में बातें बताओ और ये एक फैक्ट है कि जो अब आने वाला टाइम है उसमें नेटवर्किंग विल प्ले अ बिग रोल तो इस पे चर्चा करेंगे हम और इसमें एक बहुत बड़ी गलती क्या कर रहे हैं लोग नेटवर्किंग के बारे में जानने और समझने में उस चीज़ को मैं बताऊंगा और आपको वो स्टेप राइट right करे बिना यू के नॉट गेट इन टू नेटवर्किंग एंड यू के नॉट गेन फ्रॉम नेटवर्किंग तो नेटवर्किंग ये स्टेप है यहाँ का लेवल है लोग सीधा यहाँ से जंप करना चाहते हैं इस पर एंड दे आर नॉट एबल टू रियलाइज़ द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग बिकॉज एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके थ्रू आपको जाना है जो इसके थ्रू नहीं जाएगा वो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा और गेन नहीं कर पाएगा उसी पर आज चर्चा है ये तो सबको पता है कि नेटवर्किंग क्या होती है ठीक है और सब करना चाहते हैं नेट नेटवर्किंग नेटवर्किंग में क्या है वेर एंड यू कनेक्ट विद पीपल एंड देन यू गेन आउट ऑफ देम एंड यू प्रोग्रेस इन लाइफ बट इसमें सबसे बड़ा कैच ये है वाई विल समबडी कनेक्ट विद यू सो द एक्चुअल इज दैट समबडी ऑल्सो गेंस आउट ऑफ यू टिल दैट टाइम समबडी एल्स गेंस आउट ऑफ यू ही और शी विल नॉट वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू एंड लोग यही कर रहे हैं गलती बिना अपनी कैपेसिटी हुए टू एड समथिंग इन द वैल्यू ऑफ समबडी एल्स दे आर वॉन्टिंग टू डेस्परेटली कनेक्ट विद पीपल द पीपल हैव रीच्ड अ मुकाम इन लाइफ द पीपल हुम यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू नेटवर्क टू प्रोग्रेस वाई विल दे कनेक्ट विद यू ना समबड़ी विल से ओ आई विल गिव यू मनी बट वेन द मनी का रिलेशनशिप हैपन्स देन इट इज़ अ क्लाइंट एंडफेशनल का relationship कि देर इज अम बडडडडीज अ कंसल्टेंट देर इज समी होज अ लॉयर यू नीड लॉयर का सर्विसेज यू पे मनी एंड यू टेक सर्विसिज़ यू रिक्वायर अ डॉक्टर का सर्विसेज यू पे मनी ही गिवज यू एडवाइस और यू रिक्वायर ए मैरिटल काउंसलर और एन एस्ट्रोलॉजर और समबडी आर्किटेक्ट वो तो अलग चीज़ हो जाती है और ए चार्ट अकाउंटेंट वो अलग चीज़ हो जाती है तो उसमें तो वो आप नेटवर्किंग नहीं बोल सकते नेटवर्किंग तो तब कहलाएगी कि भाई आप चार्ट अकाउंटेंट हैं और एक आदमी आर्किटेक्ट है या बैंक लोन वाला है या इंश्योरेंस वाला है या कुछ है तो ही ब्रिंग्स नेटवर्क हिज नेटवर्क टू दिस पर्सन दिस पर्सन मे बी ब्रिंग्स हिज नेटवर्क टू दिस पर्सन की किसी को हेल्थ इंश्योरेंस ले दिए ये होता है सो so, सबसे बड़ी चीज़ है विदाउट यू हैविंग एनी थिंग इन यू नोबडी विल कनेक्ट विद यू नेटवर्किंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल इट बिकम्स ईजी बिकॉज यू गेट योर डोमेन एक्सपर्टीज़ यू गेट योर सर्कल एंड यू कैन एड दैट सर्कल टू समी एल्स द समबडी एल्स कैन एड इट टू यू एंड यू शुड बी गुड एज अ पर्सन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है एज अ प्रोफेशनल ये बहुत ज़रूरी है तो लोग सबसे पहले जितने बच्चा लॉट हैं जो ट्वेंटीज़ में हैं और नया नया स्टार्ट कर रहे हैं बजाय सीधा जुगाड़ फिट करने के किसी के साथ कि भई मेरे को बस जुगाड़ फिट हो जाए और वो मुझे ले जाए आगे कोई किसी का चाचा ताऊ नहीं लगा हुआ चाचा ताऊ लगाए तो फिर मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाता है कि चल भाई मेरा भतीजा है मेरा छोरा है मेरा भांजा है मेरा बेटा है मेरी बेटी है मेरा दमाद है मेरी बहू है फिर अलग काम हो जाता है ठीक है वो पकड़ पकड़ के आपको नेटवर्क कराते हैं पर कराते वो अपने दम पे हैं क्योंकि उनमें शक्तियाँ हैं उस इंसान में वैल्यू ऐड करने की जिसको आप वो सहारा देते हैं वो तो सिफारिश नेपोटिज़्म और वो वाली जगह चला जाएगा विच आई एम नॉट अगेंस्ट इट इज़ अ गुड थिंग एंड उस पर भी मैं चर्चा करूँगा ठीक है कि अगर मान लो मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया है तो क्या मेरा बच्चा भी वहीं ज़ीरो से स्टार्ट करेगा तो वो कभी हम दोबारा चर्चा करेंगे थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक भी हो जाता है वो एंड समाज को थोड़ा सा करता है बट मैं करूँगा अपने ऑडियंस के लिए आगे लेकिन आज मैं स्टिक करना चाहता हूँ कि जो अभी बच्चे हैं और नए नए जॉब मार्केट में या नए नए काम धंधों में आ रहे हैं उन्हें लर्निंग मशीन बनना है लर्निंग मशीन स्पॉन्ज बनना है जस्ट कीप ऑब्ज़ॉर्विंग कीप ऑब्ज़ॉर्विंग यू शुड गेन मेक योर वैल्यू गो अप सो मच कि जिस इस बंदे से आप नेटवर्किंग करना चाह रहे थे और आप यहाँ पे थे और ये आपको देख भी नहीं पा रहा था कि यार ये क्या है कौन है तो आप कम से कम इस लेवल पे तो आ जाओ जब आप इस लेवल पे आओगे तभी या आपको किसी तरह ही विल फाइंड सम वैल्यू इन यू एंड देन ही मे हेल्प यू और अलाउ यू टू यूज हिज प्लेटफॉर्म और हिज़ नेटवर्किंग थोड़ा गहरा वीडियो लग रहा है आप लोग बताना कि ये नेटवर्किंग वाली चीज़ आप लोग समझ पाए इस पर मैं नौकरी सीरीज़ में या ऑन्टरप्रोनर सीरीज़ में या जो कोई वाली सीरीज़ में एक फॉलो अप वीडियो भी बनाऊँगा पर आज मैंने बेसिक मैसेज टू द इज कि यू हैव टू हैव अ वैल्यू टू नेटवर्क बहुत लोग नौकरियों के अंदर जो सरकारी नौकरियों में हैं या वो हैं वो भी नेटवर्किंग करते रहते हैं कि मेरी अगली पोस्टिंग मैनेज हो जाएगी मेरी प्रमोशन मैनेज हो जाएगी ये हो जाएगी उनको ये रियलाइज़ करना है कि ये ज़रूरी है वो काम करने भी अपनी पोस्टिंग मैनेज करना अपना ये करना सारी दुनिया करती है लेकिन उसमें फिर आपकी वैल्यू क्या है और उसमें ये आपको देखना है कई बार आप उस नेटवर्किंग में अपने आप को भी खो देते हैं तो ये माइंडलेस नेटवर्किंग इज़ ऑल्सो नॉट गुड कि नेटवर्किंग एट कॉस्ट ऑफ एनी आप बहुत गहरी चीज़ हो रही है आपको समझना है ये इट इज़ गुड ऑ ऑल्सो एंड इट इज़ बैड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर अप्रोचिंग अगर आप किसी के गलत काम करना चाह रहे हैं अब ठीक है किसी को मॉरली एथिकली गलत रूट पर जाके नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं जस्ट टू गेट सम वैल्यू देन यू आर गोइंग डाउन द ट्रेन आप अपना जुपिटर खराब कर रहे हैं गुरु खराब कर रहे हैं कुडली में बोलते हैं ठीक है क्योंकि जो एथिक्स हैं वो आपको पकड़ के रखनी है जेन्यूननेस जेन्युन वैल्यू एड करके जेन्युन वो करके तब आगे बढ़ रहे हैं तो अलग बात है तो दोनों में डिफरेंस है बहुत गहरा डिफरेंस है मोस्टली ऑडियंस मुझे लगता है समझेगा इस डिफरेंस को नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट ऐट ऑल कॉस्ट and it has to come only when you are able to add that value to the other person and that value should not be value which is morally and ethically wrong it has to be a genuine genuine value added genuine knowledge genuine uh, uh, genuine wisdom or genuine some product which is itself not wrong Joby morally ethically and zardata networking kana basis में ये चीज़ कम्प्रोमाइज़ हो रही है दैट्स वाई पीपल आर मूविंग इन सर्कल्स जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ सेमिनार्स में लोग जाते हैं अभी तो कोविड की वजह से कम जाते हैं बट ये जो बहुत जुगो ये होती है ना मीटिंग्स वगैरह होती हैं और ये लोग जाते हैं कि वहाँ पे मिलेंगे लोगों से और कोई फ़ायदा होगा नेटवर्किंग करूँगा वहाँ ऐसी जगह जाके पूरा टाइम ऑफ वेस्ट है क्योंकि हर आदमी उसी भावना से आ रहा है कि मैं अगले बंदे से क्या निचोड़ जोड़ लूँ मेरा खाँच जुगाड़ फिट हो जाए वहाँ पे दो चार पांच स्पीकर होंगे कॉन्क्लेव वक्व होती हैं और अलग अलग एसोसिएशन इस तरह के फंक्शंस करती हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में भी होते हैं कई बिजनेस सर्कल्स में भी होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं आप में से कितने लोग जाते हैं आप बताना प्रैक्टिकली यहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हर आदमी वहाँ उसी भावना से आया तो उसमें किसी में ये नहीं है कि मेरी क्या वैल्यू है सब एक दूसरे को काट देते फिर रहे लेकिन प्रैक्टिकली इट डजन वर्कआउट वहाँ पर मैक्सिमम पीपल हु गेन आर द स्पीकरस बिकॉज स्पीकर कम्स विद अ हाई और एंड हाई दिस्थिंग पर्सनैलिटी एंड वो स्पीकर चूज करता है कि अच्छा मेरे फ़ायदे का कौन आदमी है तो वहाँ जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं नॉर्मली और जो स्पीकर्स होते हैं दे ओनली मोस्टली गेन जो ऑडियंस जाता है सोच के कि पता नहीं मैं अपना बिजनेस फैला लूँगा या जुगाड़ कर लूँगा या मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा इट डजन हैपन दैट वे तो दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट ये थोड़ा आई होप मेरा सारा वीडियो लोग बम्बो जम्बो नहीं समझ में आया समझ में आया नीचे लिखना लिखना समझ में आया कमेंट सेक्शन में ठीक है और मम्बो जम्बो लिखा तो एम जे लिख देना माइकल जैक्सन वाला ठीक है मम्बो जम्बो भाई मेरे को नहीं समझ में आया तो रो क्या बोला तो मैं कोशिश करूँगा शायद आगे से बताने की और नाइन्टी परसेंट ही मम्बो जम्बो हो गया तो आई हेल गिव अप ठीक है थैंक यू